हाय बच्चों, शुभ मध्याह्न, शुभ दोपहर। मैं फिरोज सर आपकी सभी में दोबारा मैं पाठ एक बड़े भाई साहब जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी इसको ले आए बच्चों। परसों मतलब हम लोग शुक्रवार गुरुवार के दिन, गुरुवार के दिन क्या किया था, पाठ का थोड़ा सा हिस्सा हमने देखा था, पाठ का कुछ ही भाग हमने देखा था, मतलब लेखक पर जो आने हमारे विशेषज्ञ थे उन्होंने पढ़ा दिया था। उसके बाद पाठ प्रवेश में देखा, उसके बाद पाठ के दो अंशों को, दो गद्यांशों को हमने देखा बच्चों। उसके आधार पर मैंने 5 प्रश्न आपको होमवर्क टास्क दिए थे। कई सारे विद्यार्थियों ने होमवर्क करके मुझे भेजा था बच्चों, उनके नाम भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए हैं। अराउंड 14 से 15 लोगों ने ये किया था, होमवर्क किया था। तो मेरे ये बच्चों, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी कार्य दिया जाएगा बच्चों 10th के विषय में, तो बोर्ड के एग्जाम के लाभ के लिए ही होगी बच्चों। इसीलिए हमें चाहिए कि ध्यानपूर्वक देखें और उसे करके देखें, ठीक है, इसका एक। फिर रही बात अब 10वीं कक्षा के लिए, 2 कॉपियों का बना बच्चों, 200 pages, 2 नोटबुक्स, 2 नोटबुक का 200 पन्ने की, एक रहेगी आपकी एक रहेगी आपकी व्याकरण भाग, दूसरी रहेगी आपकी CW, जैसे प्रश्नोत्तर वगैरह पाठों की कविताओं की, उसे आप लिखोगे, 2 नोटबुक आप, ठीक है। पाठ एक है बड़े भाई साहब, लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। तो परसों के दिन हमने देखा था बच्चों कि उनके बड़े भाई की आयु क्या थी, कौन सी कक्षा में वे पढ़ते थे, छोटे भाई कौन सी कक्षा में पढ़ते थे, फिर बाद में पढ़ाई के विषय में उनके क्या विचार थे वे हमने देखा, और छोटे भाई और बड़े भाई छात्रावास में रहते थे ये भी हमने देखा बच्चों। तो उसके बाद में पृष्ठ संख्या 55, पृष्ठ संख्या 55 लास्ट पैरा बच्चों, इस पाठ का एक मुहावरा हम क्या करेंगे देखेंगे बच्चों। जैसे जैसे पाठ पढ़ता जाएगा उसके अंदर मुहावरे भी आएंगे, उसे भी हम नोट करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की जो भी 10वीं की बोर्ड एग्जाम 4 अंक के लिए मुहावरे को पूछा जाएगा बच्चों इस पाठ में से। इसीलिए हमें चाहिए कि इस पर भी ध्यान दें, इस पर भी गौर करें कि कौन सा मुहावरा कौन सा अर्थ दे रहा है, किस प्रकार का वाक्य हमें करना चाहिए, ठीक है। मैं पाठ का वाचन करता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए अपनी किताब में, पेज नंबर 55 लास्ट पैरा, फर्स्ट पेज का लास्ट पैरा बच्चों। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, कौन, बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम, शब्द या वाक्य 10 या 20 बार लिख डालते, कभी एक शेर का बार बार सुंदर सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने देखा, मतलब एक बार मैंने उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, क्या देखा कि स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम श्रीयुक्त राधेश्याम, 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में, उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मोह बड़ी बात। एक छोटा मोह बड़ी बात, कम आयु बढ़ बढ़कर
ये मुहावरा है बच्चों, मुहावरा ने मुंशी प्रेमचंद जी अक्सर क्या करते अपने पाठों में मुहावरे का प्रयोग करते थे बच्चों, छोटा मुंह बड़ी बात, यानी आयु कम, एज इज वेरी लेस, इज वेरी एंगर बट ही टॉक्स वेरी बिग बिग, मतलब आयु बहुत कम है उसकी लेकिन बड़ी बड़ी बातें बोलता है। तो यही यहाँ पर बच्चों प्रस्तुति के इस पाठ के अंश में बड़े भाई का स्वभाव बता रहे हैं, ये ध्यान रहे, दो अंक के लिए आए या फिर चार अंक के लिए आए बच्चों, बड़े भाई का स्वभाव पूछ रहे थे, क्या बताते हैं, बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, अध्ययन में बहुत ही मेहनती थे, परिश्रमी थे, हमेशा पढ़ाई करते रहते थे, किस प्रकार देखो हरदम यानी एवरी टाइम हमेशा किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, यस कॉपी, अगर कॉपी शब्द बच्चों, कॉफी मतलब ये मैं समझ कि वो पीने वाली घर जो चाय कॉफी हम बनाते हैं वे कॉफी या कॉपी, कॉपी मतलब नोटबुक, जैसे आपके सी डब्ल्यू हैं जो एच डब्ल्यू होते हैं जो ग्रामर पार्ट होते हैं लिखने के लिए, तो कॉपी। अब इस शब्द को ध्यान से देखो बच्चों, इट इज इंग्लिश वर्ड यानी हिंदी भाषा में प्रयोग हुआ है, तो जो चिन्ह जो चंद्र आप देख रहे हो, चंद्र बिंदु नहीं, चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक मात्रा, केवल चंद्र यानी आगत स्वर, ये आगत है यानी अन्य भाषा से आए हुए शब्दों का आगत स्वर या फिर आगत शब्द कहते हैं, कॉपी, फिर बाद में डॉक्टर, हॉल, बाद में फिर ऑफिस, फिर बाद में ऐसे बॉल, कई सारे शब्द आते हैं बच्चों, तो ये कॉपी का आगत शब्द है जो अन्य भाषा से आया हुआ। तो बड़े भाई साहब क्या करते थे अपने किताब या फिर अपने नोटबुक्स में क्या पर? किताब के हाशियों पर चिड़ियों को, तो हाशी मतलब बच्चों सी, दिस इज अ पेज, अब समझो ये किताब है मेरी, अब यहाँ पे इतना सा लिखा हुआ भाग है, यहाँ पे इतना लिखा है, ये सब एम्प्टी प्लेस, ये सब खाली खाली देख रहे हो बच्चों, ये जो खाली खाली स्थान है उस खाली स्थान में क्या करते थे, कुत्ता बिल्लियों और चिड़ियों की, चिड़िया कुत्ता बर्ड्स डॉग कैट, उनके पिक्चर, उनके पिक्चर उनके चित्रों को क्या करते थे, बनाया करते थे बच्चों, यस तस्वीर बहुवचन रूप तस्वीरें, चित्र चित्री होता है बच्चों, हाँ बनाया करते, यस देखिए कभी कभी दिमाग को, जब दिमाग बहुत तनाव ज्यादा होता, कोई दबाव ज्यादा होता पढ़ाई कर करके, तो उसे रिलैक्स आराम देने के लिए खाली नहीं बैठ देते, नोटबुक में या फिर पुस्तक के हाशियों पर कुत्ते बिल्ले चिड़ियों के चित्र बनाया करते थे। उसके बावजूद बच्चों कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, एक नाम किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़के का, किसी युवती किसी लड़के का नाम है, या फिर कोई नेता का नाम है, किसी इतिहास में किसी राजा का नाम है, वो किसी कवि और लेखक का नाम है, उस नाम को 10 बार या फिर 20 बार सतत लिखा करते थे निरंतर। उसके आगे बच्चों कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे बच्चों, शेर माने यहाँ पे ड्रॉइंग में होता है, शेर का मतलब है यहाँ पे शायरी, शायरी आप जानते हो ना बच्चों, हाँ जैसे उर्दू में होते हैं, हिंदी में होते हैं शायरियाँ, अंग्रेजी में भी होते हैं, तो इन शायरियों को क्या करते थे, अलग अलग डिजाइन के अक्षरों में, हम भी कभी कभी कर्सिव अक्षर राइटिंग लिखते हैं, कभी कभी खुले खुले अक्षर लिखते हैं, कभी कभी शिवर कपड़ा हम लोग क्या करते हैं लहर जैसे करते हैं, तो हमारे में अंदाज होता है बच्चों, तो एक शायरी को क्या करते थे अलग अलग अक्षर के स्टाइल में लिखा करते थे। आगे कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिखते, कभी एक शेर का बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे, नकल करना यानी कॉपी करना, एग्जाम में करते हम लोग एग्जाम में कॉपी करते हैं, कोई सामने बैठा है या समटाइम्स यू टेक्स जेरॉक्स या जेरॉक्स मशीन, इज व्हाट कॉपी, नकल करना। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य, शब्द रचना मतलब एक तरह की पंक्तियां लिखते, सम सेंटेंसेस ही राइट्स, कैसे देयर इज नो मीनिंग, देयर इज नो प्रॉपर मीनिंग, उसके अंदर कोई सही अर्थ नहीं होता था, एक दूसरे से तालमेल नहीं होता था, सामंजस्य यानी एक दूसरे से संबंध नहीं होता था। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल
इबारत का मतलब बच्चों लेख, इबारत ये उर्दू शब्द है बच्चों, इसका मतलब है लेख। लेकिन एक लिखा हुआ एक हिस्सा, इबारत यानी कुछ लिखा हुआ देखा हमने शब्द रचना, कौन छोटे भाई ने देखा बड़े भाई के कॉपी में, बड़े भाई के नोटबुक में क्या देखा उसने, वो बड़े भाई एल्डर ब्रदर ने ये लिखा था कि स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, नो कनेक्शन ईच अदर, इन बिटवीन देयर इज नो कनेक्शन ओनली, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई। इस प्रकार कुछ ना कुछ लिखते जाते हो जब कभी दिमाग उनका बहुत तनाव होता है, दबाव होता है। राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम, एक घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, एक घंटे तक इसे लेकर क्या होता है, एक आदमी कुछ कुछ तो चेहरा मतलब एक फेस, एक मुख, मुख उन्होंने बनाया था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, चेष्टा मतलब जो प्रयास करना, कोशिश करना, छोटे भाई ने बहुत कोशिश किया कि जो पहेली उन्होंने लिखी थी उसका कोई मीनिंग निकालूं, लेकिन ऐसे कुछ हो नहीं पाया उसे, वे नाकाम रहे, वे असफल रहे बच्चों। पहेली मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे क्या होता है कन्नड़ में वड़क, वड़क बोलते कन्नड़ में, समथिंग इट सेज एंड यू हैव टू गिव आंसर, हम कुछ टास्क देंगे तो उसे आंसर बताना पड़ता है, उत्तर बताना पड़ता है। जैसे कि मैंने बड़ी सी थाली है, बड़ी सी थाली है तो प्लेट, बड़ी सी प्लेट है और फिर ढेर सारी चीजें उसके अंदर रखी हुई है, उसे उल्टा करने पर वो कभी गिरते नहीं, क्या है वो? इस प्रकार के इन्हें टास्क देना बच्चों, बड़ी सी थाली है, ढेर सारी चीजें उस पर रखी हुई है, अगर उसे उल्टा कर देंगे तो वे गिरते नहीं है, वे ऐसे कैसे होते हैं? जैसे कि आंसर इज स्काई, आकाश बच्चों, आकाश का एक बड़ा सा प्लेट जैसे है और वहां पर चांद सितारे सूरज अन्य ग्रह सब कुछ लगे हुए हैं लेकिन कभी गिरते नहीं। तो ये इस प्रकार के पहेलियां वे बड़े भाई साहब लिखा करते थे, जो छोटे भाई को समझ में आना नामुमकिन था, असफल होते थे। आगे बच्चों, पहेली का कोई अर्थ निकालो लेकिन असफल रहा, यानी ना का सफल इसका मतलब विलोम शब्द असफल, और उनसे पूछने का साहस ना हुआ, साहस है बच्चों जैसे कि एक धैर्य होना, मतलब बड़े भाई साहब के सामने बात करना कोई मामूली चीज है, मतलब एक मन में डर सा था छोटे भाई में, इसलिए वे जाकर पूछ नहीं पाए कि क्या लिखा है आपने। वह नवी जमात में थे, मैं पांचवी में था, बड़े भाई साहब बड़े भाई नवी जमात का मतलब है जो कक्षा, जमात यानी कक्षा, जैसे क्लास हम कहते हैं ग्रेड कहते हैं, छोटा भाई पांचवी कक्षा, बड़े भाई साहब नवी कक्षा में, छोटा भाई पांचवी कक्षा में, ये सारी चीजें ध्यान में रहे आप लोगों को, दो अंक के लिए चार अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे तो सारी छोटी छोटी चीजें आपको बड़े बड़े उत्तर में लिखनी पड़ेगी। यस, जमात में थे मैं पांचवी में, उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात, यस छोटा मुंह बड़ी बात, ये मुहावरा है बच्चों, जैसे कि कम आयु बल बढ़कर बोलना, कोई व्यक्ति बहुत ही छोटे उम्र का है लेकिन बातें उसकी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। जैसे कि वाक्य प्रयोग करो, निखिल हमेशा छोटा मुंह बड़ी बातें करते रहता है। नेक्स्ट पेज बच्चों, पेज नंबर 56। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था, एक घंटा भी मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था, एक घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था, मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते,
उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था, शांत। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था, मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था। कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरे सबका करें या बच्चों इसमें क्या बताते हैं? एक प्राण सूखना, प्राण सूखना यानी डर जाना। मैं जंगल में जा रहा था, अचानक शेर मेरे सामने आया तो मेरे प्राण सूख गए। मैंने बहुमूल्य वस्तु कुछ तोड़ दिया घर में, मेरे पिताजी के आने से ही मेरे प्राण सूख गए, मैं डर गया, डर जाना। हाँ, तो इस प्रकार वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो जो प्रस्तुत गद्यांश मैंने पढ़ा बच्चों पेज नंबर 56 का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब पहले पन्ने में बड़े भाई साहब का स्वभाव हमने देखा कि उसका स्वभाव कैसा था, छोटे भाई का स्वभाव इसमें है। दो अंक के लिए प्रश्न है, क्या बताते हैं यहाँ पे? मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। जी का मतलब बच्चों जी सिनेमा नहीं है, जी का मतलब है मन, मन या फिर हमारा मूड। माय मूड इज नॉट रेडी टू स्टडी, मतलब कभी पढ़ने के लिए होता ही नहीं था उसका मन, क्योंकि एक घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। पहाड़ बना होता है क्या बच्चों? पहाड़ यानी बहुत बड़ा कार्य या फिर काम। एक घंटा पढ़ाई करना भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं अब दो तीन घंटे पबजी खेलेंगे, फ्री फायर खेलेंगे, लेकिन एक घंटा किताब लेकर कभी नहीं बैठेंगे। आप में से भी होंगे बच्चों ऐसे, तो इसलिए इस वर्ष बिल्कुल वो उसे दूर रही। तो पहाड़ होने का मतलब है बहुत बड़ा कार्य होना, मौका पाते हैं। देखो छोटा भाई जैसे अवकाश मिलता, जैसे चांस मिलता, तो वो अपने हॉस्टल से, अपने छात्रावास से, हॉस्टल को अंग्रेजी में, हिंदी में छात्रावास, छात्रावास छात्र विद्यार्थी, वास यानी रहने का स्थान, छात्रावास यानी विद्यार्थियों के लिए रहने का स्थान, इसे हॉस्टल कहा जाता है अंग्रेजी में। तो हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता। तो छोटे भाई के कार्य क्या क्या है? मैदान में बड़े से ग्राउंड में जाते हैं, कंकरियां छोटे छोटे स्टोन्स, स्मॉल स्मॉल स्टोन्स उछालना, मतलब मारना, कभी पेड़ों को मारना, कभी पक्षियों को मारना, कभी किसी कुत्ते बिल्ली को मारना, इस प्रकार के खेल जैसे छोटे बच्चे करते हैं। बच्चे कभी कागज की तितलियां उड़ाता, कागज यानी पेपर की तितलियां बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जैसे हम लोग हवाई जहाज बनाते हैं, मेंढक बनाते हैं, चूहा बनाते हैं और फोटो कैमरा हम बनाते हैं, कोई फूल बनाते हैं पेपर से, तो वह पेपर से नहीं कागज से क्या करते थे, तितलियां बनाकर उड़ाया करते थे बच्चों। और फिर कहीं कोई साथी मिल गया, अगर कोई उनका सहचर मिला, कोई उनका दोस्त मिला, कोई साथी मिला, तो पूछना ही क्या, कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे थे। चार दीवारी बच्चों स्कूल का कंपाउंड होता है, स्कूल का कंपाउंड या फिर हॉस्टल का कंपाउंड, उसके ऊपर चढ़कर उसके ऊपर से कूद जाना, नीचे कूदना। फिर बाद में उसे आगे, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। फिर क्या करते हैं छोटे भाई? फाटक यानी स्कूल गेट, स्कूल का गेट होता है, उसके ऊपर हम लोग रुकते थे बचपन के दिनों में। फिर उसे क्या करते, कभी बंद करते, कभी खोलते थे, कभी आगे कभी पीछे करते थे। ऐसा अनुभव होता था कि जैसे हम लोग किसी मोटर कार में बैठे हैं क्या। तो ये खेल छोटे भाई किया करते थे, आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में जाते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे, डर जाते थे। कमरा मतलब जैसे छात्रावास के उनके रूम में जाते थे तो बड़े भाई छोटे भाई दोनों एक ही कमरे में रहते थे, तो जैसे बड़े भाई साहब को देखते थे तो छोटे भाई का प्राण सूख जाता, डर जाते थे। डर के मारे वे मौन चुपचाप रहते थे। तो उसके बाद तुरंत बड़े भाई साहब, ये प्रश्न है, बड़े भाई साहब पहला सवाल क्या करते थे? बड़े भाई साहब पहला सवाल कहाँ थे? छोटे भाई को कहाँ था, वो भी कैसे रुद्र रूप में, बहुत क्रोधित होकर, बहुत गुस्सा होकर, जैसे कि आग बबला हो जाना, आग बबला हो जाना यानी अत्यधिक क्रोधित हो जाना।
हमेशा यही सवाल, ऑलवेज व्हेनेवर ही कम्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, एट द टाइम द एल्डर ब्रदर ही यूज्ड टू से आस्क ओनली वन क्वेश्चन, वेयर आर यू, मतलब कहां थे तुम अब तक, हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। शांत रहते थे, खामोश रहते, क्योंकि गलती उन्होंने की थी, उन्होंने गलती की थी तो शांत रहना मतलब उन्होंने स्वीकार भी किया कि मैं गलत हूँ। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। हम ऐसे कहते थे हमारे मम्मी पापा को, सब होगी तो वो हरक है, हम ऐसे कभी नहीं कहते थे। फिर दो चार लापड़ पड़े हम लोग, दो चार थप्पड़ लगे हम लोग, मतलब बाहर था ऐसे नहीं निकलता था, मुंह से हमें शांत रहते थे। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, अपराध है बच्चों गलती, इसकी द्वेष या फिर कुछ क्राइम तब को ठीक है स्वीकार है, मतलब एक्सेप्ट करना बच्चों। और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे, सत्कार करे, सत्कार है बच्चों सम्मान करो, सत्कार है सम्मान। तो यहां पर मुंशी प्रेमचंद ने क्या किया बच्चों, व्यंग किया है, बट व्यंग मतलब तरह का मजाक उड़ाना कि छोटे भाई को उन्होंने सरकार कोई मतलब फूल पोषी हाथ में मोमेंटो देकर शॉल वगैरह डालकर या फिर फ्रूट प्लेट देकर वो सत्कार नहीं, खूब डांटना फटकारना। आपके घरों में भी होता होगा, सबसे ज्यादा कौन डांटते हैं, मम्मी पापा दादाजी दादी या फिर बड़ी बहन बड़ा भाई या कोई छोटे भाई बच्चे आपको सताते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो उसी प्रकार बड़े भाई साहब ने क्या किया, छोटे भाई को डांटना डपटना आरंभ कर दिया। तो यह काम कर देते हो, वो भी कैसे, रोष से क्रोध में आकर। स्नेह भी होता था जैसे हम लोगों को हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे बड़े घर के सदस्य हम लोग डांटते रहते हैं लेकिन उनके मन में ढेर सारा प्यार रहता है, उसी प्रकार बच्चों इस तरह अंग्रेज पढ़ोगे। नेक्स्ट कह रहा बच्चों देखो उनके डांटने की गोलियां देखो वो कैसे किस प्रकार डांटा करते थे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं ऐरा गैरा न तू खैरा। या बच्चों क्या बताते हैं यहाँ पे, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, सो हाउ यू स्टडीज लाइक दिस, हिंग अभ्यास बनाओ, ऐसे अध्ययन करोगे तो इंग्लिश कब सीखोगे तुम, कब अंग्रेजी में निपुण पंडित बन पाओगे, ये कोई मामूली चीज नहीं है। जिंदगी भर पढ़ते रहोगे तुम अगर इस प्रकार तुम मैदान में खेल कूद करके आ रहे हो, फिर थोड़ा पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, एक हर्फ भी ना आएगा बच्चों। यहाँ पे नया शब्द है हर्फ, हर्फ का मतलब बच्चों अक्षर, से हिंदी में हम लोग अक्षर कहते हैं, कन्नड़ में अक्षर कहते हैं, हर्फ उर्दू शब्द, एक हर्फ भी नहीं आएगा अगर तुम इस प्रकार अध्ययन करोगे पढ़ाई करोगे तो। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, यस हंसी खेल ना होना बच्चों मुहावरा है, यानी कोई आसान काम ना होना, कोई सरल काम ना होना। अब एक वाक्य में प्रयोग करो, हाँ अब टोक्यो के ओलंपिक में सोने का पदक पाना, टोक्यो के ओलंपिक के खेलों में सोने का पदक पाना कोई हंसी खेल का काम नहीं है, ऐसा प्रेजेंट सिचुएशन है बच्चों। टोक्यो के वो खेल कूद में या फिर ओलंपिक्स के खेलों में सोने का पदक पाना कोई हंसी खेल नहीं, यानी काम सरल ना होना बहुत मुश्किल टास्क होना बच्चों। हंसी खेल न होना काम सरल या फिर आसान न होना या फिर कार्य कठिन होना, कार्य कठिन होना ऐसे बोलते हैं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं ऐरा ऐरा न तू खैरा, ऐसे नहीं कि जो चाहे पढ़ ले। अंग्रेजी का ऐसी चीज नहीं कि सब लोग पढ़ ले इंग्लिश, सब इंग्लिश के पंडित हैं क्या, हाँ हाँ
वी आर अनेबल टू टॉक इन प्रॉपर सेंटेंस, हम एक सही वाक्य नहीं बोल पाते बच्चों, अगर शुद्ध व्याकरण के नियमों से हम ये करेंगे तो अंग्रेजी के, तो ऐसे ऐसे चीजें बच्चों कठिन, तो इसलिए क्या बताते हैं, ऐरा गैरा नत्तु कहना, मतलब ऐसा वैसा कोई ना कोई कर लेगा काम, ऐसे नहीं होता बच्चों। सभी अंग्रेज के विद्वान हो जाते, यहाँ रात दिन आंखें खोलनी पड़ती हैं, रात दिन आंखें खोलना, देखो मुहावरे बहुत आएंगे बच्चों, आंखें खोलना मतलब कड़ी मेहनत करना, बहुत अधिक परिश्रम करना, आंखें खोलना मतलब ऐसे नहीं किसी की आंख खोलना जाकर पत्थर से या फिर लकड़ी से, सर मुझे गाली देती मैंने उसकी आंख खोल दी, ये वाला नहीं बच्चों, आंख खोलना नहीं, बहुत परिश्रम करना, किताबों में ऐसे आंख खोल के, और खून जलाना पड़ता है, खून जलाना भी क्या बहुत परिश्रम, जैसे हमारा रक्त जलता है बच्चों पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है, और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है, आती है मतलब पूरा हमें क्या नहीं आता, सिर्फ कुछ पता है मुझे। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध, बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा, बड़े विद्वान यानी बच्चों पंडित लोग, ज्ञानी लोग जिन्होंने अंग्रेजी का बहुत बड़ा अध्ययन किया है, वे लोग भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं बोल पाते। अब तुम किस खेल की मूली हो, इतना खेल कूद कर रहे हो और थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो हॉस्टल में आकर, कैसे तुम सीख पाओगे, इस प्रकार ढेर सारी बातें बोलकर डांटते थे। यस, बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा, दे आर अनेबल टू राइट, टॉकिंग इज डिफरेंट ओनली, और मैं कहता हूं तुम कितने घूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। बच्चों घूंगा का मतलब बच्चों बेवकूफ, वहां पे नया शब्द है घूंगा यानी बेवकूफ, पागल, बुद्धिहीन, या फिर आप कह सकते हो घोंगा एक प्रकार का प्राणी है बच्चों, जिस वन का नाम एनिमल, जिसके वो शंकु होते, शंकु सिप्पी वगैरह गिरते देखो, मतलब वहां से कीड़ा निकलता है जो बहुत धीमे गति में चलते रहता है, उसे घोंगा कहते हैं बच्चों। हाँ, तो इस प्रकार ढेर सारे उदाहरण देकर उसे समझाते रहते हैं, तो मुझे नहीं देखते, सी डे एंड नाइट स्टडीज, मैं बहुत दिन रात मेहनत करता हूँ, मुझे देखकर तुम थोड़ा सीख लो, पार्ट ले लो, ले लो मुझसे, तुम कितने घूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते, सबक यानी शिक्षा लेना, जैसे घर में बोलने को उसे थोड़ा देखो पड़ोस का ही है कितने अच्छे अंक लाता है, सी हिम हम सब नोट आउट नोट करी हिम तो केड़ केड़ नंबर रगड़ा कर देते, तो दूसरों को कंपेयर करना मुझे, तो यहाँ पे क्या करें, बड़े भाई बता रहे हैं मेरा नंद नोट मुझे देखो थोड़ा, मैं कितना मैं अध्ययन करता हूँ, मुझे देखो तुम शिक्षा नहीं लेते, तुम सबक नहीं लेते मुझसे, ऐसे बता दो सबक यानी पाठ लेना, मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। यस, देखो मैं कितना परिश्रम करता हूँ, दिन रात पढ़ता हूँ मैं, देखते हो कि नहीं तुम, अगर नहीं देखते तो फिर इट इज योर फॉल्ट, योर आईज फॉल्ट, योर माइंड फॉल्ट, तुम्हारे सोचने की क्षमता का एक दोष है, इस प्रकार डांट लेना चाहिए, कसूर यानी बच्चों दोष होना, इतने मेरे तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है, रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं पहुंच सकता, देखो मेले मतलब बड़े बड़े फेयर जात्रेगढ़ तमाशे मतलब बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा वगैरह होते हैं, क्रिकेट मैच होता है, हॉकी मैच होता है, टूर्नामेंट्स होते हैं, कभी तुमने देखा है, मैं गया था कभी देखने के लिए, नहीं। यस, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ, फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे, उधर जाता नहीं मैं, ना मैं तमाशे देखता हूँ, ना क्रिकेट ना हॉकी देखता हूँ, मैं हमेशा पढ़ते रहता, सतत मैं अध्ययन करते रहता हूँ, इतना करने के बावजूद भी मैं एक वर्ग में यानी एक ही जमात में एक ही कक्षा में दो बार मैं अध्ययन करता हूँ, कभी कभी तो तीन बार मैं फेल होकर भी अध्ययन करता हूँ, तो ये मेरी दशा है इतनी मेहनत करने के बाद में, तो तुम इतना खेलकूद करते हो, किस प्रकार तुम सोच रहे हो कि तुम पास हो जाओगे, मुझे तो दो ही तीन साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे, सड़ा मतलब स्पॉइल,
मुझे सिर्फ 2 या फिर 3 वर्ष लगते हैं एक वर्ग को पास करने के लिए। अगर तुम्हारा खेलकूद में देखूंगा तो मुझे लगता है कि तुम्हारी सारी आयु, तुम्हारी सारी एज, तुम्हारी सारी उम्र एक ही कक्षा में निकल जाएगी। ऐसे बातों को लेकर वह डांटा कर देते मुझे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो बच्चों? गाड़ी कमाई बच्चों, मेहनत की कमाई, मेहनत करना, परिश्रम करके जो हम पैसा कमाते हैं बच्चों उसे गाड़ी कमाई कहते हैं। कड़ी कमाई नहीं करते, गाड़ी कमाई, ये बताते हैं। हाँ, वी मे बी गेट मिस्टेक, बात क्या बच्चों, कड़ी भी आता है वहां पर। हाँ, कड़ी कमाई गलत है, गाड़ी कमाई। हाँ, ये परीक्षा में पूछेंगे, बहुत बार पूछ भी चुके हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मतलब मेहनत की कमाई, इनकम, अर्निंग फ्रॉम एफर्ट, काम। अब यहाँ पे दादा है, दादा की गाड़ी कमाई, दादा की गाड़ी कमाई, दादा का मतलब बच्चों पिताजी, बड़े भाई साहब और छोटे भाई के पिताजी थे। वे पिताजी क्या करते थे बच्चों, अपने गांव में रहकर ढेर सारी मेहनत करके थोड़े बहुत पैसे हर माह हर महीने छात्रावास के खर्च के लिए भेजा करते थे। तो बड़े भाई साहब दादा का यानी पिताजी का उदाहरण देकर बताते हैं, अगर तुम्हें इतना खेलकूद कर रहा है तो काम चले जाओ, यू गो नेटिव, यू गो टू विलेज एंड यू प्ले देयर, गुल्ली डंडा चिनीदान डालो, इलिको मतलब यहाँ पे रहकर क्या कर रहे हो, क्यों पिताजी की गाड़ी कमाई को बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। तो इस प्रकार अच्छी अच्छी बातों को उदाहरण लेकर क्या करते हो, छोटे लोग हमेशा डांटा करते हो। तो इस पार्ट के आधार पर इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी। या किसी प्रकार के संदेह है या फिर कोई दिक्कतें हैं तो मुझसे पूछ लो बच्चों, मतलब 3 अंश इस पार्ट का में बड़ा पार्ट है बच्चों। आई थिंक इट इज ऑन अराउंड 8 to 10 pages लेसन। कन्नड़ में इतने बड़े बड़े पार्ट नहीं बच्चों, छोटे छोटे पार्ट हैं, हिंदी के पार्ट थोड़ा बहुत बड़े बड़े हैं बच्चों, इसीलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक देखो सुनो। यस, कम ऑन, आस्क मी व्हाटएवर डाउट्स यू हैविंग।